दोस्तों अगर बात करें मोस्ट लग्जरी कार ब्रांड की तो आपके माइंड में सबसे पहले यही ब्रांड आती है। तो दोस्तों अगर बात करें मर्सिडीज की तो मर्सिडीज को तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। ये वो कंपनी है जो लग्जरी कार बनाने में बहुत माहिर है एंड इसकी गाड़ियाँ वर्ल्ड फेमस है। आज जो मैं आपके लिए गाड़ी लेके आया वो है मर्सिडीज GLC 220D। आज की वीडियो में हम इसका पूरा डिटेल वॉक अराउंड करेंगे, आपको बताएंगे इसके फीचर्स, इसका प्राइस, इसका इंजन पावर और आपको ये भी बताएंगे कि ये गाड़ी आपको लग्जरी फील करवाएगी या नहीं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल कवर करते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलती है LED हेडलाइट जिसका डिज़ाइन काफ़ी यूनिक है और यहाँ पे एक सेंसर है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे सेंसर है, इधर भी है। और बात करें इसकी व्हील की तो यहाँ पे आता है 18 इंच का अलॉय व्हील और इसका डिज़ाइन देखें तो काफ़ी मॉन्स्टर डिज़ाइन है, मॉन्स्टर टाइप का है। यहाँ पे आपको मर्सिडीज का लोगो मिलता है थोड़ा इधर है। बात करें इसके ग्रिल की तो यहाँ पे काफ़ी इंप्रेसिव डिज़ाइन है इस ग्रिल का, यहाँ पे आपको मर्सिडीज का लोगो मिलता है। ऊपर की तरफ आपको मर्सिडीज बेंज का लोगो भी मिल जाता है और यहाँ पे भी सेंसर साइड पर LED लाइट्स ही हैं। दोस्तों गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल कवर हो चुकी है और बारी है इसके अंदर जाने की, इसके इंटीरियर और इसकी फीचर्स आपको दिखाने की। लेकिन इससे पहले मैं आपको इसकी चाबी दिखा देता हूँ। तो कुछ ऐसी चाबी है इसकी एंड काफ़ी प्रीमियम लगती है। तो गाड़ी को सबसे पहले अनलॉक करते हैं। तो हमारी गाड़ी अनलॉक हो चुकी है और चलते हैं इसके अंदर, आपको दिखाते हैं कि क्या क्या फीचर्स आते हैं इसके अंदर और क्या ऐसा चीज़ है इसके अंदर जो इसको लग्जरी बनाती है। तो दोस्तों फाइनली मैं आ चुका हूँ गाड़ी के अंदर और ये गाड़ी अंदर से लगती है एकदम प्रीमियम, लग्जरी एंड फीचर से भरपूर। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे आपको क्या क्या फीचर्स एंड क्या स्विचेज बटन से मिलते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं इसके राइट हैंड डोर की। तो यहाँ पे आपको एकदम वुड फिनिश में ये गेट मिलता है और बात सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलता है एक स्पीकर जिसका साउंड बहुत ही अच्छा है, मर्सिडीज का खुद का स्पीकर है। एंड यहाँ पे आपको बटन्स मिलते हैं अपनी, जिससे आप अपनी सीट एडजस्ट कर सकते हो, यानी कि इससे आपकी सीट ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी। यहाँ पे आपको मिलते हैं आपके गेट के लॉक बटन, यहाँ पे पावर विंडोज, नीचे बॉटल होल्डर एंड यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर। थोड़ा इधर आते हैं और बात करते हैं इसके मीटर की। तो आप देख ही सकते हैं काफ़ी स्टाइलिश मीटर है, मैं ऑन करके दिखाता हूँ। तो काफ़ी अच्छा मीटर है इसका, यहाँ पे आप अपनी गाड़ी की स्पीड, RPM, गियर एंड सब कुछ देख सकते हैं। तो बात करें इसके हैंडल की तो आप देखिए काफ़ी प्रीमियम एंड स्टाइलिश हैंडल है इसका एंड इसकी इन हैंड फील लुक भी बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे आपको मर्सिडीज का लोगो मिलता है, यहाँ पे एक आपको एयर बैग भी मिलता है। मैं आपको इसका हॉर्न सुनाऊँ तो कुछ ऐसा हॉर्न है इसका। यहाँ पे आपको बटन्स मिलते हैं, मतलब अपनी स्क्रीन को इससे कंट्रोल कर सकते हैं। या राइट साइड में आपको मिलता है आपके AC के विंड्स, यहाँ पे आपके हेडलाइट्स कंट्रोल्स एंड आपके वाइपर कंट्रोल्स। और थोड़ा इधर की तरफ यहाँ पे आपको मिलते हैं आपके गियर प्लस माइनस के बटन्स। थोड़ा इधर आते हैं आप, मतलब इसके स्क्रीन की तरफ। तो ये आपकी स्क्रीन दिखाऊँ तो मैं ऑन करता हूँ इसकी स्क्रीन। तो इसकी स्क्रीन ऑन हो चुकी है एंड आप देख सकते हैं काफ़ी मतलब बड़ी डिस्प्ले एंड काफ़ी प्रीमियम लगती है देखने में ये। और यहाँ पे बहुत सारे मोड्स हैं, मतलब अपनी गाड़ी के मोड्स इसे चेंज कर सकते हैं। नीचे की तरफ आए तो आपको वहाँ पे AC विंड्स हैं, बहुत सारे 3 AC विंड हैं और इसके AC विंड को आप इन बटन से कंट्रोल कर सकते हैं। ये क्लाइमेटिक AC कंट्रोल्स हैं। और नीचे है तो ये इसी के कंट्रोल्स हैं गाड़ी की, मतलब मीडिया, रेडियो, वीडियो के। और एक और आपको इसकी प्रीमियम चीज़ दिखाऊँ तो ये है इसकी प्रीमियम चीज़। तो कैसा लगा, ये है कप होल्डर, यहाँ पे आप अपने कप में बॉटल रख सकते हैं। यहाँ पे एक 12 वाट का चार्जिंग पोर्ट है, इसे बंद करते हैं। इधर आते हैं तो आपको मिलता है आपका एक ऑटोमेटिक गियर बॉक्स एंड यहाँ पे एक रिमोट कह सकते हो, आप इसे रिमोट कह सकते हो क्योंकि इससे आप अपने स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हैं एंड इस बटन से आप अपनी स्क्रीन को ऑफ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे बहुत सारे बटन से आप अपनी गाड़ी के मोड्स को चेंज कर सकते हैं। थोड़ा पीछे आए और यहाँ पे मिलता आपको एक आर्म रेस्ट एंड इस आर्म रेस्ट को आप ऐसे खुलता है एंड यहाँ पे बहुत सारा स्पेस है, मतलब बहुत सारा सामान रख सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये आपको मर्सिडीज की तरफ से एक बैग मिलता है, यानी कि मर्सिडीज का खुद का बैग है, मतलब ये भी एक प्रीमियम चीज़ है खुद में। डैशबोर्ड की बात करते हैं इसकी तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसके डैशबोर्ड में क्या आता है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारा स्पेस है, मतलब बहुत सारा स्पेस है इसके अंदर। नीचे आपको अच्छा खासा लेग स्पेस मिल ही जाता है। और थोड़ा ऊपर की बात करें तो ये भी काफ़ी प्रीमियम एंड स्टाइलिश लगता है दिखने में एंड इसकी इन एंड फील भी बहुत ही अच्छी है। एंड इसकी वुड फिनिश आप देखिए कितना, ये इसकी वुड फिनिश है काफ़ी प्रीमियम लग रही है देखने में, वुड से बनाई गई है शायद ये, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लग रही है इससे तो ये। थोड़ा ऊपर आते हैं बात करते हैं इसके, यहाँ पे आपको मिलता है रियर व्यू मिरर, यहाँ पे आपके सनग्लास होल्डर, आपके यहाँ पे राइट साइड में आपको मिलता है आपका सनरेस प्रोटेक्टर
एंड यहाँ पे आपको एक शीशा मिलता है। शीशा ऑन करते खोलते ही आपकी ये लाइट जल जाएंगी ऑटोमेटिकली, इसे बंद करते हैं। लेफ्ट साइड में भी आपको वही चीज़ें मिलती हैं। दोस्तों लेफ्ट हैंड डोर की बात करें तो आपको लेफ्ट हैंड डोर में भी वही सारे बटन्स एंड ऑप्शन स्विचेस सब वही मिलते हैं जो आपको राइट हैंड डोर में मिलते हैं। लाइक यहाँ पे आपकी सीट कंट्रोल्स एंड सब वही हैं। और बात करें इसके सनरूफ की तो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ से आपकी सनरूफ ओपन होगी तो ये देखिए, ये इसका एक कर्टेन हट गया है एंड अब इसका शीशा हटेगा तो आप देखिए काफ़ी रोशनी हो गई है इससे। बाहर धूप हो रही है तो शायद ठीक से दिखा ना पाऊँगा आपको, बट फिर भी काफ़ी मतलब निकल सकता बंदा। तो दोस्तों मैं आज को गाड़ी की मिडल रो में और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ मिडल रो में कितने फीचर है। आगे तो आपने देख लिया मतलब कितने सारे फीचर है, पीछे के आपको दिखा देता हूँ। तो राइट हैंड साइड डोर की बात करें तो यहाँ पे आपको विंडो के डोर अनलॉक के हैंडल सब कुछ वही सब है। यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ मिलती है, वो है इसका सनरेज प्रोटेक्टर, मतलब यहाँ से धूप की किरणों से आप बच सकते हो। इसे करो, यहाँ पे आपको मसाजर सीट्स मिली भी मिल जाती है, मतलब आप इस पर आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हो। सामने भी आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, लेग नीचे की तरफ भी आपको अच्छा सारा स्पेस मिल जाता है। और बात यहाँ पे आपको इस साइड में आपको मिलता है आपके एसी के कंट्रोल्स, इसे आप कंट्रोल कर सकते हैं ऐसे नीचे। एंड नीचे की तरफ आपको मिलता है एक चार्जिंग पोर्ट, 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट है, फ़ोन को चार्ज कर सकते हो यहाँ से। एंड यहाँ फ़ोन रखने की जगह है, यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा स्पेस ही मिल जाता है। यहाँ पे आप अपने कुछ पेपर्स वेपर्स एंड कुछ रखना चाहते हो यहाँ पे रख सकते हो। थोड़ा पीछे है और बात करें इसके आर्म रेस्ट की तो आपको खोल के दिखाता हूँ। तो कुछ ऐसा आर्म रेस्ट है, इसको आप ऐसे खोलिए और यहाँ पे बहुत सारा सामान रखिए। आपको एक और प्रीमियम चीज़ दिखाता हूँ उसके अंदर, तो ये देखिए है ना एकदम प्रीमियम, मतलब यहाँ पे आप अपने ग्लास एंड बॉटल वाटल रख सकते हो ऐसे खोल के। तो मतलब यही मेरे को एक प्रीमियम फीचर लगा इस गाड़ी के अंदर। इसे बंद करते हैं और आपको और चीज़ें दिखाते हैं। ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको रीडिंग लाइट्स एंड होल्डर मिल जाता है और लेफ्ट हैंड साइड भी आपको वही रीडिंग लाइट्स एंड होल्डर मिलता है। सो उसके ऊपर भी आपको एक सनरूफ मिल जाती है, बट ये खुल नहीं सकती, मतलब कि कर्टेन हट जाएगा बट जो इसके ऊपर का शीशा है वो नहीं हट सकता। तो दोस्तों मिडल रो से फ्रंट रो का व्यू देखते हैं, तो आप देख ही सकते हैं काफ़ी प्रीमियम एंड मतलब सब कुछ देख सकते हैं पीछे से, काफ़ी प्रीमियम एंड स्टाइलिश लगता है यहाँ से, आप देखिए खुद ही। तो गाड़ी को फाइनली पीछे से कवर करते हैं। तो यहाँ पे आप इसकी टेल लाइट देखिए, तो काफ़ी अच्छा पैटर्न है टेल लाइट का। ऊपर की तरफ आपको GLC 220D लिखा मिल जाता है, यहाँ पे आपको मर्सिडीज का अच्छा सा लोगो, यहाँ पे फॉर्मेटिक लिखा मिल जाता है, यहाँ पे वाइपर्स है। एंड मैं आपको इसका बूस्ट स्पेस चेक कर रहा हूँ तो इसमें आता है 550 लीटर का बूस्ट स्पेस। यहाँ पे आपको एक ट्रे मिलती है, आप इसे ऐसे हटा सकते हैं नीचे करके, हट गई है। एंड यहाँ पे बहुत सारा स्पेस, एक्स्ट्रा डोनर टायर एंड पूरी टूल किट मिलती है आपको मर्सिडीज़ की तरफ से, तो पूरा मर्सिडीज़ का ही सामान है खुद का। एंड इन बटन से, ये जो बटन है यहाँ पे, ये सब आपकी आगे की सीट ऐसे गिर जाएंगी, मतलब हट जाएंगी ऐसे, पूरी गिर जाएंगी ऐसे, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है मर्सिडीज़ की। तो दोस्तों गाड़ी का एक्सटीरियर और इंटीरियर वर्कआउट कवर हो चुका है, और अब बारी है इसके इंजन पावर की, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर कितना इंजन पावर है। तो इसमें आता है 2.0 लीटर का डीजल इंजन जो कि इस गाड़ी को फुल पावरफुल बना देता है, और इस गाड़ी की जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो है 60 लीटर, यानी कि इस गाड़ी में आप 60 लीटर तक पेट्रोल भरवा सकते हैं, तो पेट्रोल नहीं डीजल भरवा सकते हैं। सो दोस्तों ये था मर्सिडीज GLC 220D का एक क्विक रिव्यू, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब लास्ट में इसकी प्राइस की बात करें तो इसका स्टार्टिंग प्राइस है 68 लाख, बाकी इसका प्राइस इसके वेरिएंट के हिसाब से बढ़ता रहता है। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस गाड़ी के रिव्यू पे चाहिए, हम जरूर लेके आएंगे वो वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर अगले कंटेंट के साथ।